Hey guys, how are you? I hope you all are doing good and welcome back to another video. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से Xiaomi, Redmi या फिर Poco के फ़ोन को किस तरह से अनब्रिक कर सकते हैं अगर आपने अपने मोबाइल को रूट करते हुए या फिर कस्टम रिकवरी या फिर कस्टम रोम इंस्टॉल करते हुए अपने मोबाइल को ब्रिक कर लिया है और अभी वो चल नहीं रहा। जिस तरह मेरे पास अभी Redmi Note 11 है, ये भी मैंने ब्रिक कर लिया है तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ ये भी लोगो आता है, उसके बाद ये ऑन नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने Xiaomi के फ़ोन को अनब्रिक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दो फाइलें डाउनलोड कर लेनी है। जो फर्स्ट वन जो है वो मी फ्लैश टूल है और दूसरी जो है वो फास्ट बूट मी यूआई रोम है। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं अपने Xiaomi डिवाइस के लिए। तो आपने वहाँ पर मेक श्योर करना है कि आप रिकवरी रोम ना डाउनलोड करें, आप फास्ट बूट रोम डाउनलोड करें। तो इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद आपने मेक श्योर करना कि ADB ड्राइवर्स जो हैं वो आपके PC या लैपटॉप में प्रॉपरली इंस्टॉल होने चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वो भी नहीं इंस्टॉल किया तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मी फ्लैश टूल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपनी जो डाउनलोडेड फास्ट बूट रोम है उसको भी हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है यूजिंग एनी एक्सट्रैक्शन टूल। मैं यहाँ पर विनरार यूज़ कर रहा हूँ। तो जितनी देर ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है हम अपने डिवाइस को, जो कि मेरे पास Redmi Note 11 है, तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी Xiaomi के या फिर Redmi इवन के Poco के फ़ोन्स को भी अनब्रिक कर सकते हैं। तो जितनी देर हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है उतनी देर में हम इसे रिबूट कर लेते हैं फास्ट बूट मोड में। सिंपली प्रेस एंड होल्ड पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन टुगेदर, ये फास्ट बूट मोड में रिबूट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये फास्ट बूट मोड में रिबूट हो चुका है। तो फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने सिंपली मी फ्लैश टूल वाले फोल्डर में एंटर करना है और यहाँ से आपने मी Xiaomi फ्लैश को डबल टैप करके, डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये आपको कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करने का कहेगा, आपने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये सिंपली वन बाय वन करके सारे ड्राइवर्स को खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसे सिंपली क्लोज कर देना है और अपने डिवाइस, अपने मोबाइल को, और अपने मोबाइल को आपने किसी भी अच्छी हाई क्वालिटी डाटा केबल के साथ कनेक्ट कर लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि वही डाटा केबल यूज़ करें जो आपको बॉक्स के साथ मिली है। तो यहाँ से हम सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसमें हमने अपने फास्ट बूट रोम को एक्सट्रैक्ट किया है। तो मेरा फोल्डर जो है वो यहाँ पर है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, सिलेक्ट हो गया। अभी सिंपली हमने यहाँ से नीचे आ जाना है, अभी फ्लैश पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीन आल एंड लॉक का जो यहाँ पर है ऑप्शन है वो सिलेक्ट है। अगर हम इसे ऐसे ही फ्लैश कर देंगे तो हमारा जो बूट लोडर है वो लॉक हो जाएगा। हमने सिंपली यहाँ पर क्लीन आल पे क्लिक करना है सिंपल, अदरवाइज हमारा जो बूट लोडर है वो दोबारा से लॉक हो जाएगा, हमें फिर से 7 दिन का वेट करना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए। तो इसलिए हम सिर्फ क्लीन आल पे क्लिक करेंगे और ये हमारे बूट लोडर को लॉक नहीं करेगा। अब हमने सिंपली यहाँ पर फ्लैश पे क्लिक करना है और ये फ्लैश करना शुरू कर देगा। अभी आप देख सकते हैं। तो अगर आप वैसे ही इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आपकी डिवाइस ब्रिक नहीं हुई लेकिन फिर भी आप किसी कस्टम रोम पे हैं और स्टॉक रोम पे आना चाहते हैं या फिर अपना मोबाइल सेल करना चाहते हैं, तब भी आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं स्टॉक रोम इंस्टॉल करने के लिए। तो इस मेथड में अगर आपके मोबाइल में कोई डाटा होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, इसलिए आप मेक श्योर कर लें कि आप अपने डाटा का एक कम्प्लीट बैकअप बना लें जिसको आप बाद में रिस्टोर कर सकें। तो अभी आप देख सकते हैं ये फ्लैश होने के बाद कुछ इस तरह से खुद ही रिबूट हो जाएगा और अभी जो हमारी रोम है वो बूट अप हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लोडिंग हो रहा है और आपका जो बूट लोडर है वो भी इस तरह से दोबारा से लॉक नहीं होगा और आपकी जो स्टॉक रोम है वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।